समय का पूरा खेल है, तुझे हाथ बिना वो फेल है। स्कूटर की भी हालत है ऐसी, चलती है ये जैसी तैसी, स्कूटर आगे बढ़ नहीं पाए, जब एक ही टायर दम लगाए। और ये देखो इंक पेन चला है, महंगा है, बहुत भला है, पर जितना भी ये कर ले ट्राय, नहीं चलेगा बिना स्याही। कुछ ऐसा ही लोकतंत्र है, सब शामिल हो इसका मंत्र है। मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार। तो बढ़ चढ़कर आगे आइए, जनतंत्र का फर्ज निभाइए, कोई भी महिला वोट देने से चूके ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call voter helpline 1950. मनियाडी थाना अंतर्गत बरियारपुर गांव के समीप से पुलिस ने मालवाहक में लदे अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। मालवाहक से पुलिस ने इंपीरियल ब्लू तथा रॉयल स्टेक की कुल 1536 शराब की बोतलें बरामद की है। मौके पर से चार लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बरामद शराब हरियाणा की है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि बरियारपुर स्थित ट्रांसफार्मर के पास मेन रोड में शराब से लदी सफेद रंग की मालवाहक वाहन होने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर वाहन की जांच पड़ताल की तो सूचना सही मिली। शराब के साथ मधेपुरा का आवेश कुमार, केशव कुमार व देवघर का मुन्ना सहित सुमित कुमार पकड़ा गया है। इन सब के अलावे 6 अन्य अपराधी के विरुद्ध भी थाना में 47A एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया वाहन से 6 बोरी बंदा को भी बरामद हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि शराब को छिपाने के लिए उसके ऊपर सब्जी की बोरी रख दी गई थी, जिससे कि पुलिस को गुमराह कर सके। अवेश के पास से 3000 नगद, एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। एक बड़ी सफलता मनियाडी थाना के सौजन्य से प्राप्त हुई है। इसमें कल एक गुप्त सूचना मिली थी थाना और एसओजी की टीम को कि इस रूट का मतलब बरवाटा से मनियाडी और होते हुए गिरिडीह जाने वाली जो अंदरूनी रूट है, उस रूट से कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए कुछ सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर थाना और एसओजी की टीम ने एक्ट किया। पहले सूचना मिली थी कि एक बड़ी ट्रक में ढेर सारे शराब के बोटल्स और पैकेट्स जा रहे हैं पेटी, लेकिन जब देर तक जांच करने के बाद भी नहीं पता चला तो उसके बाद फिर एक और सूचना मिली कि वो छोटी गाड़ी में जा रही है, महिंद्रा मैक्स, मिनी मैक्स जो छोटी सी गाड़ी होती है टेकर टाइप की, उसमें जा रही है और वो नीला रंग के एक तिरपाल से ढका हुआ गाड़ी है। इसको वेरीफाई करने के लिए नाका लगाया गया। नाका लगाने के बाद भी कोई जब सफलता नहीं मिली तो पेट्रोलिंग गाड़ी रोड में गश्ती करते हुए आगे बढ़ी कि कहीं वो गाड़ी रास्ते में कहीं रुकी तो नहीं है। तो गश्ती करने के दौरान उन्हें पता चला कि एक गाड़ी रोड में खड़ी है जिसका नीला रंग का तिरपाल से उसको ढका हुआ है। गाड़ी के समीप जब गश्ती दल पहुंची तो वहां एसओजी की टीम के साथ उन्होंने देखा कि उस गाड़ी में ऊपर सब्जी रखा हुआ है और नीचे सब्जी को हटाने पर शराब की पेटियां रखी हुई है। पर इसका खलासी पकड़ा गया और ड्राइवर वहां से मुन्ना भाग गया। ये सर कहाँ लेके जा रहे थे, बिहार के कहाँ जा रहे थे? ये लोग मधेपुरा लेकर के जा रहे थे। ये खलासी मधेपुरा का है और जांच में ये भी पता चले कि जो इंपीरियल ब्रू की पेटी है उसमें रॉयल स्टैक का बोतल है और उस बोतल पर सेल इन हरियाणा और मेड इन हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट, इसका लेबल लगा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि ये नकली शराब है और क्योंकि यह नकली शराब बिहार में खपने के लिए ले जा रहा है, ये लोकल कंजम्पशन के लिए नहीं है,